करें कि 60 विद्यार्थियों में से 40% विद्यार्थियों को विज्ञान विषय रुचकर लगता है, तो उन विद्यार्थियों की संख्या बताइए जिन्हें विज्ञान विषय में कम रुचि है। विज्ञान विषय में कम रुचि है, 40% लोग किसमें विज्ञान में रुचि रखते हैं। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले विज्ञान विषय में रुचि वाले बच्चे की संख्या इक्वल टू, मतलब बच्चों की संख्या आई है क्या 40% है, तो 60 का 40% ये ना निकलना। अच्छा, अरे समझ में क्वेश्चन, तो कोई बच्चा भी समझ जाएगा कि विज्ञान विषय में रुचि वाले बच्चे कितने हैं, 60 का 40% है, यानी कि 60 × 40 और प्रतिशत को हटाने के लिए क्या बोले हैं, 100 से भाग करना है। जब प्रतिशत हटाना है तो इसमें 100 से भाग करना है, तो 10 से 10, 10 से 10 कितना हो गया, 24 बच्चों को विज्ञान में रुचि है, 24 बच्चों को विज्ञान में रुचि है। अब शेष बच्चों को पूछ रहा है कि विज्ञान विषय में कम रुचि वाले बच्चे, चलिए लिख लेते हैं। अब यहां लिख लेते हैं, अब विज्ञान विषय में कम रुचि वाले क्या बच्चे, बच्चों की संख्या संख्या यानी कि टोटल कुल बच्चे कितना है 60, और रुचि रखने वाला लोग के घटा दिया जाएगा। अरे समझिए, रुचि रखने वाले लोग को घटा देंगे, क्या बच गया हमारा 36। आपका क्या हो जाएगा आंसर, इतना बच्चे विज्ञान विषय में रुचि नहीं रखते, यानी कि अब जो बच्चे है 36 60% है क्या, 60% प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए एक और तरीका से बना सकते हैं इसको, तो क्या है तरीका उसका, 60 का 40% लोग कौन सी में रुचि रखते हैं, विज्ञान में, विज्ञान में। तो पता है कोई चीज 100% होता है तो कितना परसेंट लोग विज्ञान में रुचि नहीं रखते हैं, 60%। 40% लोग विज्ञान में रुचि रखते हैं तो कितना परसेंट लोग रुचि नहीं रखते हैं, 60%। हाँ, तो लिखेंगे विज्ञान में कम रुचि रखने वाले बच्चों की संख्या इज इक्वल टू क्या, टोटल कोई चीज होता है, चलिए एक सेकेंड पहले लिख लेते हैं, 60 बच्चों का क्या 40%, यानी कि टोटल 100% होता है जिसमें 40% लोग क्या रुचि रुचि रखते हैं, यानी कि क्या हो गया 60 बच्चों का कितना परसेंट बचा, 60%। 60%, चलिए 60 का 60% निकालेंगे तो 60 × 60/100 परसेंट हटेगा तो नीचे का के मतलब कौन सी गुना, और परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100। चलिए कट गया, क्या बचा 36 आंसर। ऐसे डायरेक्ट आप इस मेथड से भी बना सकते हैं, इस मेथड से या इसको बीच वाला छोड़ के ये जो बताए हैं इस मेथड, दोनों मेथड से बन